हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई वाले सर। तो आज हम लोग करेंगे सीबीएसई क्लास 10th का मैथ्स का बेसिक सैंपल पेपर, जो कि सीबीएसई ने अपने वेबसाइट में ऑफिशियली अपलोड किया है। और ये एक ऑफिशियल सैंपल पेपर है जो कि सीबीएसई ने रिलीज़ किया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसीलिए, क्योंकि ये एक ऑफिशियल सैंपल पेपर है। तो हम लोग इसके सेक्शन ए करेंगे इस पार्ट में, फिर बाकी पार्ट में हम लोग मैं पार्ट वाइज इसका मैं अपलोड करता रहूँगा, सेक्शन ए सेक्शन बी ऐसे करके। तो पहला यहाँ पे हम लोग जान लेंगे कि इंस्ट्रक्शन क्या है, सीबीएसई ने क्या क्या बोला है। तो सीबीएसई ने बोला है कि एग्ज़ाम जो है वो 3 घंटे में करना है, 80 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन पेपर जो है वो 5 सेक्शन में रहेंगे। सेक्शन ए जो है उसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसका 1 मार्क्स करके रहेगा। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, जो 2 मार्क्स करके रहेगा। सेक्शन सी में 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, जो 3 मार्क्स करके रहेगा। सेक्शन डी में 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे, जो 5 मार्क्स करके रहेगा। सेक्शन ई में 3 केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, मतलब एक फिगर दे दिया जाएगा उसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा। तो फिर सेक्शन ई जो है 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है, वो 4 मार्क्स करके रहेगा। और सेक्शन ई में जो है सब क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब पार्ट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। और क्या बोला है कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, और किसी किसी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस हैं, वो हम जब सॉल्व करेंगे तब दिख जाएगा आपको। और जो आपका जो फिगर है जो आप क्लियरली बनाना है, और अगर पाई का वैल्यू यहाँ क्लियरली बोल दिया है 22/7 लेना है अगर कहीं नहीं दिया है तो, और अगर कहीं पे पाई का वैल्यू दिया है तो आप लोगों को जो वैल्यू दिया है उसी को यूज़ करना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपका 2 पॉजिटिव इंटीजर है पी और क्यू, जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं पी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड क्यू इक्वल टू ए क्यूब बी। और बोला है कि ए और बी प्राइम नंबर है, तो बोला फाइंड करो एलसीएम। तो देखो P दिया हुआ है ए बी स्क्वायर एंड हमको Q दिया हुआ है ए क्यूब बी, तो मैं P को लिख सकता हूँ ए का पावर 1 बी स्क्वायर और Q को लिख सकता हूँ ए क्यूब बी 1। और A और B प्राइम नंबर है, दैट मीन्स क्या कि प्राइम नंबर का फैक्टर्स हमने लिख दिया P का, और Q का भी प्राइम नंबर्स का फैक्टर्स हमने लिख दिया। तो अगर एलसीएम हमको फाइंड करना है, तो एलसीएम का सिंपल रूल है कि जो भी फैक्टर्स होते हैं कॉमन, उसका हाईएस्ट पावर हम लोग लेते हैं। जैसे ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो ए का हाईएस्ट पावर है 3, तो यहाँ पे ए क्यूब लेंगे। और वैसे बी का हाईएस्ट पावर है 2, तो यहाँ पे बी स्क्वायर लेंगे। तो एलसीएम हमारा आ गया ए क्यूब बी स्क्वायर। तो दैट मीन्स ऑप्शन इज सी, आंसर सी है आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। बोल रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। तो बोल रहा है कि सेम आदमी 52 किलोमीटर और 91 किलोमीटर, ठीक है, सेम नंबर ऑफ आवर्स मतलब दोनों को सेम टाइम लगेगा ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स कह रहा है यहाँ पे। एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स मतलब 52 किलोमीटर चलने के लिए सपोज 2 घंटा लगा, हो सकता है 91 चलने के लिए 3 घंटा लग जाए या 4 घंटा लग जाए, मतलब पॉइंट में नहीं होना चाहिए आवर्स। ठीक है, तो देखो अगर ये आदमी 52 किलोमीटर चल रहा है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं 52 का एक प्राइम फैक्टर निकालूँ, तो मैं इसके फैक्टर्स क्या मिलते हैं मेरे को, 2 2 जो 4 एंड 2 6 जो 12, उसके बाद 2 1 जो 2 2 3 जो 6, ऐसे 91 का अगर मैं फैक्टर निकालूँ तो क्या मिलता है मेरे को, 3 2 जो 6, 3 से ये जाएगा नहीं, 7 से जाएगा, 7 1 जो 7 और 7 3 जो 21, 7 × 13। ओके, तो देखो मैं 52 को लिख सकता हूँ कैसे, 2 2 जो 4, 4 × 13 ऐसे लिख सकता हूँ। और वैसे मैं 91 को कैसे लिख सकता हूँ, 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 13। अब मेरे को पता है कि ये जो 52 किलोमीटर और 91 किलोमीटर तो डिस्टेंस है, और मुझे निकालना है स्पीड। और मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम स्पीड में होना चाहिए, मतलब किस स्पीड में चले कि 52 किलोमीटर और 91 किलोमीटर एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स में चले। दैट मीन्स 52 किलोमीटर में हो सकता है कम टाइम लगे, लेकिन 2 आवर्स 3 आवर्स ऐसे, और 91 में भी ज़्यादा लगेगा ऑब्वियसली, सेम आदमी चल रहा है तो, लेकिन 4 आवर्स 5 आवर्स 6 आवर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स होना चाहिए। तो स्पीड अगर दोनों एक ही आदमी अगर चल रहा है तो सेम स्पीड में चल रहा होगा, तो सोचो ये अगर स्पीड है तो ये जो लग रहा है ये तो आवर है, टाइम है। तो देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम तो फॉर्मूला ही होता है। तो एक्चुअली ये जो है मैंने एक फॉर्मूला भी लिख दिया है, एक्चुअली ये फैक्टर ही लिखा है मैंने, लेकिन ये एक फॉर्मूला भी है कि हाँ 52 किलोमीटर डिस्टेंस 4 घंटा में चल रहा है 13 13 का स्पीड में, पता चल रहा है ना देख के। दैट मीन्स क्या है कि अगर मुझे
उसका स्पीड निकालना है, दैट मीन्स मुझे उसका एचसीएफ निकालना चाहिए। तो जो स्पीड होगा वो एक्चुअली इन दोनों का एचसीएफ होगा, किसका, 52 का और 91 का। तो एच सी एफ हमें क्या मिल रहा है, क्लियरली आपको पता चल रहा है कॉमन क्या है, 13। तो 13 हमारा एच सी एफ और यही आंसर है। आप लोग देखिए ऑप्शन सी में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इफ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज टू, देन द वैल्यू ऑफ के इज, तो इस पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, इसका एक जीरो दे दिया है वो है आपका 2, है ना, इसका एक जीरो दे दिया वो है 2। दैट मीन्स क्या, अगर ये इसको आप एफ एक्स ले लेते हो या पी एक्स, आप लोग पी एक्स भी लेते हो, पी एक्स एफ एक्स क्यू एक्स कुछ भी लिख सकते हो, तो अगर मैं इसका मतलब है अगर मैं यहाँ 2 बैठाऊँ तो ये जो पॉलिनोमियल पूरा है ये जीरो बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं 2 बैठाऊँ तो ये पूरा जीरो बन जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स एफ 2 बैठाने पर यह क्या आता है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के और इक्वल टू 0। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ 2 बैठाऊंगा तो यहाँ पे ये 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के ही आएगा, तो हम सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0। मुझे तो के का वैल्यू चाहिए अल्टीमेटली, 10 प्लस के इक्वल टू 0, और यहाँ पे के क्या आ जाएगा, 10 अगर उधर जाएगा तो -10, और ऑप्शन बी इज आंसर। ओके, ऑप्शन बी में आपका 10 दिख रहा है। ओके, फोर्थ में आते हैं। ग्राफिकली दिया हुआ है पेयर ऑफ इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10। मतलब ग्राफिकली ये जो दो इक्वेशन दिया हुआ है आपको, ये आपको थर्ड चैप्टर से दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये दोनों जो है इक्वेशन जो दिया हुआ है ये ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो चार ऑप्शन हमको दे दिया है। तो पहले हमको देखो, अगर हमको पता करना है कि ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा तो हमें ये जानना जरूरी है कि ए वन बाई ए टू क्या आ रहा है, बी वन बाई बी टू क्या आ रहा है और सी वन बाई सी टू क्या आ रहा है। तो मैं ए वन बाई ए टू निकाल लूंगा, ए वन बाई टू क्या है, 6/2, दैट मीन्स 3। बी वन बाई बी टू क्या आ रहा है, -3/-1, दैट मीन्स 3। और सी वन बाई सी टू क्या आ रहा है, 10/9, दैट मीन्स 10/9, नो प्रॉब्लम, सेम है ना, कट तो नहीं रहा है। तो सिंपल सा बात है, मुझे क्या मिला, ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। और अगर ऐसा होता है तो वो जो ग्राफ होता है वो होता है पैरेलल लाइंस। क्या, पैरेलल लाइंस, दैट मीन्स ऑप्शन बी आंसर है आपका। ठीक है, अच्छा और भी केसेस हैं, आप बताइए ये क्या होता है, ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। अगर ऐसा होता है तो ग्राफ जो होता है वो इंटरसेक्टिंग होता है। अगर आपको ऐसा मिल जाए ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू, तब ग्राफ क्या होता है, कोइंसाइडिंग होता है, एक के ऊपर एक बैठ जाएगा। ये तीन कंडीशन आपको आना चाहिए। तो फिलहाल आंसर इसमें पैरेलल लाइन से, ठीक है, और ये दो कंडीशन भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बोल रहा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देन। अच्छा, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रियल रूट्स होता है तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमेशा आपका रियल और इक्वल रूट्स के लिए जीरो होता है, जीरो के बराबर, क्योंकि इक्वल रूट्स है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 यूज करेंगे और यहाँ से k निकल जाएगा। देखो b का जगह क्या है, 4, 4 बैठा देंगे, a का जगह क्या है, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का आगे 1 है, कुछ नहीं है, और c में क्या है हमारे पास, k है इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 16 माइनस 4k इक्वल टू 0, दैट मीन्स 16 इज इक्वल टू 4k, और यहाँ से क्या आ जाता है, 4 से अगर हम 16 काटें तो k हमारा आ जाता है 4। ओके, तो क्या आ गया, 4। तो ऑप्शन सी इज आपका राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन जो के इक्वल टू 4 ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 6 द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टेसेस 0, 4, 0, 0 एंड 3, 0 इज। अच्छा, ये वर्टेसेस दिया है और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया है, दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट, ये जो है आपका कार्टेशियन प्लेन में बैठेगा ये कोऑर्डिनेट, सिंपल सा बात है।
एक पॉइंट तो ये है 0 0। अच्छा एक पॉइंट सोचो 0 4, दैट मीन्स एक्स 0 y 4, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट क्या है 3 0। सपोज यहाँ पे कहीं एक्स है लेकिन वाई नहीं है तो 3 0 यहाँ पे आएगा। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ तो देखो एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, करेक्ट है ना। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, सपोज नाम दे दूँ मैं ए बी और इसका ओ, तो जो ओ ए ओ बी जो ट्राइंगल बन रहा है ये तो राइट ट्राइंगल है, इज राइट ट्राइंगल राइट। और अगर ये राइट ट्राइंगल तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा तो मैं सीधा यहाँ क्या करूँगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कर सकता हूँ। अब यहाँ से देखो यहाँ ओ ए कितना है, ओ ए 4 है क्योंकि यहाँ पे वाई 4 है। अच्छा ओ बी कितना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तो ये तो एक्स एक्सिस है और ये तो वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे एक्स कितना है 3 है, दैट मीन्स ओ ए 3 है, तो ओ ए 4 है और ओ ए 3 है, तो आसानी से हम निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओ ए 4 का स्क्वायर ओ बी 3 का स्क्वायर बैठाइए, यहाँ से आपका आ जाएगा क्या ए बी स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा 16 प्लस 9, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर इक्वल टू 25। और यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा 5 राइट, क्योंकि स्क्वायर वहाँ जाएगा रूट हो जाएगा और ए बी कितना आ जाएगा 5। अच्छा हमें तो पेरीमीटर बोला हुआ है, तो पेरीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों साइड प्लस, दैट मीन्स क्या ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी। ओ ए मेरे को पता था 4, ओ बी मेरे को पता था 3 और ए बी कितना आ गया मेरा 5, तो टोटल प्लस कर लेंगे तो 7 प्लस 5 12, तो 12 यूनिट हमारा पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर होगा। आप ऑप्शन में देखिए 12 यूनिट बी आंसर है आपका, आपका आंसर क्या है बी। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी एफ, ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई एफ डी, एक रेशियो बराबर दे दिया इन दोनों ट्राइंगल का साइड्स का, और बोला है कि ये सिमिलर होंगे जब इन ऑप्शन में से कुछ एंगल दे दिया, कौन सा एंगल इक्वल होगा तो ये सिमिलर होंगे। तो एक ट्राइंगल के सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है वो आपको पता होगा, देखते हैं। चलो दो छोटा छोटा ट्राइंगल बना के, ए बी सी दो ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल है डी ई एफ, करेक्ट। तो मेरे को बोला है ए बी का रेशियो डी ई के साथ और बी सी का रेशियो एफ डी के साथ बराबर है, दैट मीन्स क्या ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई एफ डी। क्लियरली मेरे को दो रेशियो, दो साइड का रेशियो इक्वल दिखा दिया है। तो सिमिलरिटी के क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर दो साइड का रेशियो बराबर हो तो उनके बीच का जो एंगल है अगर ये बराबर हो जाए, अगर ये एंगल बराबर हो जाए तो ये ट्राइंगल सिमिलर होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर होने के लिए ये दोनों एंगल को बराबर होना होगा, और ये एंगल कहीं आपको दिख रहा होगा क्या है, ऑप्शन इज सी, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो आपका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इन विच रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 5-6 एंड -1-4। तो एक फिगर बनाते हैं तब आपको क्लियरली समझ में आएगा चीजें कि वाई एक्सिस, सोचो ये वाई एक्सिस मैंने बना दिया एक लाइन को, चलो एक्स एक्सिस में का यहाँ मेरे उतना जरूरत नहीं, तो नीचे छोटा सा बना देता हूँ फिर भी। तो सपोज कोई लाइन है, अब वो लाइन ना वो वाई एक्सिस में ऊपर है या नीचे है वो मेरे को देखना नहीं है, मैं जस्ट एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ। सपोज कोई लाइन ऐसा है एग्जैक्ट, मैं पॉइंट भी बैठा के भी आप देख सकते हो कि हाँ एक्स वाई वाई माइनस सिक्स तो नीचे कहीं पॉइंट है, ठीक है। तो मैं उतना पॉइंट में नहीं जा रहा हूँ कि वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा हूँ, बस इतना मैं देख रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट क्योंकि नीचे की तरफ ही आ रहा है, चलो बना ही देते हैं, चलो बना देता हूँ, आप लोगों को एक अच्छा आइडिया होगा। लेकिन एग्जाम में आप लोग इसको बना के आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, एग्जाम में आप लोग इसको बना के टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, मैं बना के दिखा देता हूँ। तो देखो मैं देख रहा हूँ दोनों पॉइंट एक्स प्लस में वाई माइनस में है, तो ऑब्वियसली वाई माइनस में मतलब नीचे आएगा पॉइंट जो भी आएगा। एक्स सोचो 5 यहाँ पे और वाई माइनस सिक्स सपोज यहाँ पे, तो पॉइंट कहीं यहाँ आ गया एक, और एक्स माइनस 1 कहीं यहाँ पे होगा और वाई माइनस 4 कहीं पे यहाँ पे, तो कहीं कभी करीब करीब पॉइंट यहाँ आ जाएगा। एक एक रफ आइडिया हमने दे दिया आपको, ठीक है। माइनस 1 माइनस 4 यहाँ आ गया सोचो कहीं, और
फाइव माइनस सिक्स यहाँ आ गया सोचो कहीं, ठीक है। तो ये जो दो लाइन है इनको ज्वाइन करके एक लाइन बन रहा है, इसको कौन काट रहा है, वाई एक्सिस। क्वेश्चन में देखो, इन विच रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट फाइव माइनस सिक्स एंड माइनस वन माइनस फोर। तो माइनस वन माइनस फोर और फाइव सिक्स को जोड़ने वाला जो लाइन है वो ये, इसको वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो अगर वाई एक्सिस डिवाइड करेगा तो ये पॉइंट जरूर क्या होगा, एक्स जीरो होगा और वाई यहां पे कुछ होगा। तो ये पॉइंट अगर आपको निकालना है तो देखो सिंपल सा सेक्शन फॉर्मूला, हमको तो रेशियो निकालना है ना भाई, सेक्शन फॉर्मूला हम कर लेंगे। तो मेरे को पता है कि सेक्शन फॉर्मूला में ये पॉइंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ, सोचो एक नाम भी मैं दे देता हूँ इधर, पॉइंट पी ए बी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी अगर मुझे निकालना है पॉइंट पी, तो इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला लगता है, वो होता है सपोज रेशियो जो एम इज टू एन में डिवाइड कर रहा है, मान लो लेट कर लो, लेट वाई एक्सिस डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग ए माइनस वन माइनस फोर एंड बी फाइव सिक्स इन रेशियो एम इज टू एन, ये मान लो, ठीक है। तो अगर इस रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो आप लोग देखिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है, सोचो एम रेशियो और एन रेशियो, ठीक है। तो होता है एम इंटू एक्स टू, एक्स टू मतलब फाइव, प्लस एन इंटू एक्स वन मतलब माइनस वन बाई एम प्लस एन। ठीक है, ये वाला जो है ये x के लिए होता है, ये जो आया y के लिए, फिर m इंटू वाई वन प्लस एन इंटू वाई टू बाई एम प्लस एन, ये आपका आ गया। तो देखो पॉइंट तो मेरे को पता है जीरो और y, और ये क्या आ जाएगा फाइव एम माइनस एन बाई एम प्लस एन, और यहाँ आ जाएगा सिक्स एम माइनस फोर एन बाई एम प्लस एन। क्लियरली पता चलता है कि जो पहला वाला जीरो है तो ये वाला एक्स के लिए होता है, ये वाला भी एक्स के लिए होता है, हमको पता है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये वाला जो है लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट वाले के साथ बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं जीरो बराबर फाइव एम माइनस एन बाई एम प्लस एन। और देखिए ध्यान से यहाँ पे क्लियरली हमको क्या मिल जाएगा, फाइव एम माइनस एन बराबर जीरो, और अगर मैं एन उधर ले जाऊँ तो कुछ ऐसा। अब अगर m के नीचे n आ जाए तो यहाँ तो 1 बचेगा, और अगर ये 5 नीचे चला जाए तो ये 5 नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स m इज टू n क्या आ गया 1 इज टू 5, और ये रहा आंसर आपका, ठीक है, m इज टू 1 1 इज टू। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे आपको PA और PB टेंजेंट है बता दिया है। तो आपको पता होगा कि PA और PB तो बराबर होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जो टेंजेंट है सेम पॉइंट से वो बराबर ही होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो देखते हैं हमें निकालना क्या है, निकालने के लिए बोला हुआ है कि मेरे को गिवन है कुछ ABP 50 दिया हुआ है, और ABP 50 दिया हुआ है यहाँ पे ये रहा, और मेरे को निकालना है ये वाला OAB। तो मैं फिगर यहाँ पे फिर से बना लेता हूँ एक बार, आप लोग देखिए ध्यान से। तो ये फिगर को मैं इस तरह से बना लूँ अगर, तो सपोज ये पी पॉइंट, ठीक है, फिगर मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको और डिटेल्स में चीज़ें बता सकूँ बाद में। तो ये मुझे दिया हुआ है 50 डिग्री, ये ए ये बी है ना, ओके। तो बच्चों क्वेश्चन 9 में क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फिगर इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्कल
विथ सेंटर ऑफ सच दैट एंगल ए बी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री देन ओ ए बी इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है ओ ए बी आपको निकालने को, ठीक है। तो ओ ए बी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कहाँ पे है, ओ ए बी आपका दिख रहा होगा आपके यहाँ पे, ये रहा ओ ए बी, ठीक है। तो आपको अभी ओ ए बी निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखें हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है पी ए का और ओ बी परपेंडिकुलर है पी बी का, क्योंकि क्या होता है कि टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस का एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब आपका ये वन मार्क्स क्वेश्चन है, आपको ये रीजन लिखने का जरूरत नहीं है, बट मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आप लोग एक बार समझ जाएंगे तो आपको ये वन मार्क्स का क्वेश्चन में ये सब लिख के दिखाने का जरूरत नहीं है, रीजन वगैरह सिंपली आप कीजिए, ठीक है, क्योंकि वन मार्क्स का क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री आपका जो है, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल में 90 डिग्री, राइट। तो सिंपली अगर ये 90 हो गया और ये 90 हो गया तो ये वाला एंगल तो निकल जाएगा हमारा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल है ओ ए पी बी, तो एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ओ ए पी बी में इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी हमको पता है कि चारों का सम हम लोग का कितना आ जाएगा 360। तो सिंपली हम ऐसे करेंगे 50 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 360। अच्छा यहाँ पे आ गया 180 और 50 230 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री, और यहाँ से ए ओ बी आपका कितना निकल गया आ जाएगा 360 माइनस 230 मतलब आपका 0 3 1 130 डिग्री आपका एंगल ए ओ बी आ गया। अच्छा जब आपका एंगल ए ओ बी आ गया आप देखिए, अब आपको ध्यान देना है इधर एक ट्राइंगल जो बन रहा है क्लियरली, ये ट्राइंगल मैं साइड में बना के दिखा रहा हूँ, ए ओ बी, अब मेरे को आपको पता है कि ये वाला रेडियस है इस सर्कल में ओ ए, और ओ बी भी रेडियस है, क्लियरली पता है आपको। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये अगर रेडियस है दोनों तो इसका अपोजिट एंगल भी बराबर होगा, है ना। अगर ओ ए बराबर, अगर ओ ए बराबर ओ बी होगा तो इसका अपोजिट एंगल जो होगा वो भी बराबर होगा, ठीक है, मतलब ओ ए बी और ओ बी ए बी बराबर होना ही होगा। तो अगर ऐसा बात है तो मैं इस ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए ध्यान से, मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के क्या कर सकता हूँ, इस ट्राइंगल में ऐसे लिख सकता हूँ एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए बी ओ बी ए और प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180, है ना। अच्छा ओ बी ए, ओ बी ए तो ओ ए बी मेरे को निकालना है अल्टीमेटली, तो ओ ए बी में मैं फोकस रखूँगा। तो देखो ये भी ओ ए बी का बराबर ही है, अच्छा ये भी ओ ए बी का बराबर ही है, तो मैं इसको भी अगर ओ ए बी लिखूँ तो ओ ए बी प्लस ओ ए बी तो 2 ओ ए बी आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ओ बी ए को ओ ए बी का बराबर लिखूँ तो ये 2 ओ ए बी आ जाएगा, राइट। तो आपको स्टेप बचाना है जितना हो सके आप लोग बचा सके, ये ए ओ बी आपका 130 आ रखा था, बैठा दीजिए 180, तो देखिए 2 एंगल ओ ए बी इक्वल टू 180 माइनस 30 130, तो आपका आ जाएगा 50, 2 एंगल ओ ए बी इक्वल टू 50, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा एंगल ओ ए बी इक्वल टू 25 डिग्री, क्लियरली आ जाएगा आप देखिए, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है कहीं पे ओ ए बी का, देखिए 25 डिग्री ए ऑप्शन हमारा मिल रहा है, दिख रहा है मेरे को, तो ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है साइन ए इक्वल टू हाफ देन द वैल्यू ऑफ सेक इज, तो साइन ए हाफ अगर है तो आप लोग मुझे बताइए साइन कितना में ये हाफ होता है, तो साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो साइन 30 डिग्री हाफ होता है मेरा, तो यहां पे आप कंपेरिजन कीजिए दोनों का एंगल, तो सिंपल सा क्लियरली समझ में आ रहा है कि एंगल है बराबर 30 डिग्री ऑन कंपेरिजन, और अगर एंगल है 30 डिग्री है तो सेक ए मतलब सेक 30, और सेक 30 कितना होता है आप लोगों को पता होगा, कॉस 30 जिसको पता है वो सेक 30 बता देगा, ठीक है। तो कॉस 30 रूट 3/2 होता है, तो सेक 30 उसका उल्टा 2/√3, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका आंसर है इधर,
क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, बोला है रूट थ्री कॉस स्क्वायर ए प्लस रूट थ्री साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे रूट थ्री कॉस स्क्वायर ए प्लस रूट थ्री साइन स्क्वायर ए बोला हुआ, तो रूट थ्री अगर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये रूट थ्री क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वन होता है, तो मैं यहाँ वन लिख दूंगा और आंसर अल्टीमेटली हमारा क्या आ गया, रूट थ्री, ऑप्शन सी आपका आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री इंटू कॉस 4 डिग्री कहाँ तक है, कॉस 90 डिग्री तक, राइट, सारा इंटू में। अच्छा आपको कॉस 1 डिग्री पता नहीं है, आप लोग सोचोगे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया आप, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस आपका लॉजिक चेक करना चाह रहा है सीबीएसई वाले। देखो सारा इंटू जब होता जाएगा तो कॉस 90 आपको पता है, कॉस 90 जीरो होता है, तो बैठा दीजिए जीरो। अब जीरो से आप ये सारा इंटू करोगे तो ये क्या बन जाएगा, जीरो ही तो बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा इंटू में है तो ये जीरो बन जाएगा, दैट मीन्स आपका आंसर यहाँ पे जीरो होगा, और ऑप्शन बी में आपको देखिए क्लियरली आपका जीरो दिया हुआ है। ठीक है, 13 क्वेश्चन में आते हैं, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज, तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, सर्कल का पेरीमीटर आपको क्या होता है, सर्कमफेरेंस है ना, सर्कल में सर्कमफेरेंस कहते हैं, तो सर्कम 2 पाई आर बराबर स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड। ठीक है, तो ये गिवन है हमको, तो यहां से क्या आ जाता है, देखो 2 1 2 2 2 4 पाई आर इक्वल टू 2a। अच्छा यहाँ से मेरे को एक रेशियो आ जाता है r बाई a इक्वल टू 2 बाई पाई, इसको मैं रख लेता हूँ, a नीचे आया और मतलब राइट साइड से a नीचे आया और लेफ्ट साइड से पाई उस तरफ नीचे गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ गया। अच्छा अब हमको बोला है कि उनका एरिया का रेशियो क्या होगा और ऑप्शन दे दिया है, तो एरिया का रेशियो तो मेरे को बताए एरिया ऑफ सर्कल बाई एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है पाई इंटू आर बाई ए का, अगर ये पूरा का स्क्वायर एक साथ लिख ही सकता हूँ मैं क्योंकि आर भी स्क्वायर में ए भी स्क्वायर में, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा पाई इंटू 2 बाई पाई, क्योंकि आर बाई ए क्या है 2 बाई पाई है, तो वो मैं बैठा दिया मैंने। ठीक है, 2 बाई पाई का स्क्वायर, दैट मीन्स ऊपर बच जाएगा 4 और यहाँ से एक पाई कट जाएगा क्योंकि नीचे पाई स्क्वायर है, तो पाई नीचे पाई बच जाएगा, राइट, तो ये क्या हो जाएगा 4, पाई का वैल्यू बैठाए तो 22 बाई 7, तो 22 बाई 7 अगर जब बैठाएंगे तो 7 ने तो ऊपर ही जाना है, तो 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, ये आ गया 14 बाई 11, दैट मीन्स 14:11 इज योर आंसर। आप लोग देख लीजिए ऑप्शन बी में आपका क्लियरली आंसर आपका दिख रहा है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो 4:3, दो सर्कल है उसका रेडिया दिया हुआ है तो उनका रेशियो का एरिया क्या होगा। ओके, तो सर्कल 1 और सर्कल 2 का रेशियो हमको क्या दिया हुआ है, रेडिया दिया हुआ है, तो सोचो इनका रेडिया आर वन आर टू है। ठीक है, सोचो इनका रेडियो क्या हुआ, आर वन आर टू है, तो इनका रेडियस मुझे दे दिया 4:3। ठीक है, अच्छा तो सर्कल वन का एरिया और सर्कल टू का एरिया अगर हम लोग लिखें तो क्या पाई आर वन स्क्वायर और इसका क्या होना चाहिए पाई आर टू स्क्वायर, सिंपल बात है। ठीक है, पाई पाई तो कट गया, तो इसको तो मैं आर वन बाई आर टू का होल स्क्वायर लिख ही सकता हूँ, और आर वन बाई आर टू क्या 4:3 बैठा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बैठाने में। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है देखिए आपका, देयर एरिया आर इन द रेशियो ऑफ, क्यूब ले मैंने स्क्वायर लेके दिया, यहाँ देखिए मेरे को बहुत दबा लिया, जो एडिट करता कर दिया,
तो आर वन बाय आर टू का स्क्वायर लिख दिया, तो आर वन बाय आर टू बैठा देते हैं, तो आर वन बाय आर टू जब बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, दैट मीन्स आंसर हो गया 16:9। तो आपका ऑप्शन सी में क्लियरली दिख रहा है आंसर 16:9। नेक्स्ट करते हैं 15, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ अ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज, ओके सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर क्या होता है कि देखो नीचे से सॉलिड बना हुआ है, तो पूरा एकदम सॉलिड होगा, मतलब क्या पूरा भरा हुआ एकदम पत्थर की तरह है ना। तो सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 3πr². तो मेरे को रेडियस दिया हुआ है 7, तो बैठा देते हैं 3 × 22/7 × 7 का स्क्वायर, तो एक 7 कट जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, आंसर पाई में है तो पाई नहीं बैठाते हैं, पाई को पाई रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर पाई में दिया हुआ है। ये भी आप लोगों को ध्यान देना है, कभी कभी मेहनत बर्बाद हो जाता है, नहीं तो आपका जैसे मेरा अभी हो गया, ठीक है, पाई को पाई में आंसर दिख रहा है सारा, तो पाई को पाई रहने दिया, और ये हो गया 3 × 49π, तो 3 × 9 = 27 और 3 × 4 = 12 = 13 = 14 = 1 = 47π इज द आंसर। तो आपको क्लियरली ऑप्शन डी में आपको क्लियरली दिख रहा है 147π, ठीक है। 16 नंबर में जाते हैं, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अच्छा ये स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है, बोला है कि अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास में जब पहचानना है तो मतलब आपको देखना है कि फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट किसका है, तो मैं देख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी जो है 20 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, 20 मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिख रहा है मेरे को, है ना। तो जब 20 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो इसका जो क्लास है वो मेरे को लिख लेना है 15:20, ये आपका मॉडल क्लास है, ये आपका क्या है, ये आपका मॉडल क्लास हो गया। तो मॉडल क्लास का अपर लिमिट पूछा, तो अपर लिमिट क्या है 20, तो अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितना है 20, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहां पे जो क्लास का ये अपर ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो हमको अपर लिमिट पूछा था, तो अपर लिमिट में ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट 17, फिर से स्टेटिस्टिक का क्वेश्चन आया हुआ है, और इस क्वेश्चन में देखिए क्लियरली हमको एक्स आई दिया हुआ है और एफ आई दिया हुआ है, एक्स की फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और एक्स दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे मेरे को और एक चीज़ दे दिया है कि मीन दे दिया 2.6, ये रहा मीन दे दिया 2.6, तो बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ दिख रहा है आपको वाई, ये मेरे को निकालने बोला हुआ है। तो इसको मैंने क्या करना है, पहले मेरे को अगर मीन दिया हुआ है तो मैं डायरेक्ट मेथड से करूँगा, तो इसके लिए मेरे को और एक यही टेबल में मैंने और एक चीज़ निकालना है F1x1। तो मैं यही टेबल को मैं ऐसे कंसिडर करके मैं इधर ही पे थोड़ा सा बना लेता हूँ, नया टेबल बनाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपको यही दिखा देता हूँ ये टेबल। तो देखो एफ आई एक्स क्या हो जाएगा, 1 × 4 = 4, 2 × 5 = 10, 3 × y = 3y, और 4 × 1 = 4, और 5 × 2 = 10, ओके। अब समेशन ऑफ, हमको फॉर्मूला जो होता है मीन का वो आपको पता होना चाहिए, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई, है ना। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मेरे को मतलब क्या, इनका टोटल निकालना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल क्या हो जाएगा, 4 + 10 = 14, 14 + 4 = 18, 18 + 10 = 28, ये आ जाएगा 28 + 3y समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। और समेशन ऑफ एफ आई क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्लियरली देखते हैं, समेशन ऑफ एफ आई आ जाएगा 4 + 5 = 9, 9 + 1 = 10, 10 + 2 = 12 + y, ओके। तो मेरे को एफ आई एक्स आई का सम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, 4 + 9, 9 + 1 = 10, 10 + 2 = 12, ओके, क्योंकि क्रॉस चेक करना जरूरी है, 4 + 10 = 14, 14 + 4 = 18, 18 + 10 = 28, ओके। तो ये सम मेरा आया, अब मैं इनको क्या करूँगा, बैठाऊँगा इधर, तो देखिए सम मेरे को कितना दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है 2.6, मैंने मीन दिया हुआ है तो मीन बैठा दिया, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है 28 + 3y, और समेशन ऑफ एफ आई क्या है 12 + y, ओके। तो ये आ जाएगा 2.6 × 12 + y = 28 + 3y। अब हम लोग देखें यहाँ ध्यान से क्या आ जाता है आपका,
26 इंटू 12 करेंगे और 22.6 इंटू वाई करेंगे, है ना, ऐसे करके हम लोग करेंगे। पॉइंट को रहने दीजिए, वो आंसर आराम से आपका आ जाएगा, पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो 26 12 था, 12 6 जा 72, 12 2 जा 24, 24 और 7 आपका आ जाएगा 31, तो ये आ जाएगा 31.2 और यहाँ पे आ जाएगा 2.6y और ये हो जाएगा 28 प्लस 3y, ठीक है। अच्छा, 31.2 में 28 इधर ले आइए, माइनस कर लीजिए, और ये 3y माइनस 2.6y कर लीजिए, y को राइट साइड में ले गया और नंबर को लेफ्ट साइड में ले आया, ठीक है। तो देखिए 31.2 माइनस 28 तो आपका ये आ जाएगा 29, 30, 31, 3.2 और ये आ जाएगा आपका 0.4y, है ना। ओके, तो 3.2 बाय 0.4 इक्वल टू वाई और यहाँ से आ जाएगा, देखिए ये पॉइंट पॉइंट तो कट दीजिए, क्यों, पॉइंट के पास सिंगल डिजिट है, ये तो 32/4 ही बनने वाला है और ये हमारा आंसर कितना आ गया, 4 8 32, तो वाई जो है हमारा 8 है, ठीक है। क्लियरली यहाँ पे 8 ऑप्शन भी होगा कहीं पे, बी ऑप्शन आपका आंसर है। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एक कार्ड सेलेक्ट करेंगे हम लोग रेंडमली, वेल सपोर्ट डेक ऑफ कार्ड, ताश का जो पूरा वो जो बंडल रहता है उसको डेक कहते हैं, तो उसमें 52 कार्ड होता है, तो बोल रहा है कि उसमें से रेड फेस कार्ड का निकलने का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो रेड फेस कार्ड जो निकलेगा उसमें, ठीक है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि एक डेक ऑफ कार्ड में कितने प्रकार के कार्ड होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक होता है ये रेड कार्ड, दिल जैसा हार्ट, ठीक है, एक होता है डायमंड, ये दोनों रेड कार्ड होते हैं, इसमें भी 13 कार्ड होते हैं, इसमें भी 13 कार्ड होते हैं रेड वाले, तो टोटल रेड वाले 26 होते हैं, ठीक है। इसमें फेस कार्ड कितने होते हैं पता है, किंग क्वीन जैक, इसमें भी किंग क्वीन जैक, इतने ही फेस कार्ड हैं, तो ये रेड वाले हैं, ये सारे रेड वाले गैंग हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड, सिर्फ रेड वाला बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में रेड वाला ही पूछा है, तो आपको इतना मैं बता दे रहा हूँ कि रेड वाला कुछ ऐसा होता है कि 13 रेड कार्ड होते हैं हमारे पास और 13 डायमंड कार्ड होते हैं, उसमें से फेस कार्ड कितने होते हैं, किंग क्वीन जैक के फेस कार्ड है, चेहरे वाले कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फेस कार्ड, यहाँ पे 3 फेस कार्ड, मतलब तो मतलब टोटल कितना, 6 रेड फेस कार्ड है। ओके, अब आते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है रेड फेस कार्ड का, तो प्रोबेबिलिटी में हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए बाय क्या, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जितना आउटकम हो सकते हैं पॉसिबल। तो सिंपल सा बात है, कार्ड तो 52 है, मैंने 52 कार्ड में से निकाला, तो 52 में से कितना भी आ सकता था, तो पॉसिबल तो 52 ही है, लेकिन मेरे फेवर में कितने हैं, जो मेरे फेवर में हो सकते हैं वो 6 कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 3 6 और ये होगा 2 2 4, 2 6 12, ठीक है, ये फर्दर नहीं कटेगा, तो आपका ये आंसर आ गया 3/26। ऑप्शन ए में आपको क्लियरली दिख रहा है ना, ऑप्शन ए आप देख लीजिए, ये आंसर है। अच्छा, अब आता है 19 नंबर क्वेश्चन में, ये थोड़ा एसर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इफ एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 इज 2 देन एलसीएम ऑफ 592 इज 32460, पहला ये एसर्शन है। फिर एक रीजन भी दिया है कि रीजन क्या है कि एचसीएफ जो होता है एलसीएम के साथ इंटू अगर करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आता है, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो दो नंबर दिया हुआ है मेरे पास यहाँ पे 510 और 92, ठीक है, दो नंबर मेरे को दिया हुआ है 510 और 92 और इसका एचसीएफ क्या बोल रहा है, इनका एचसीएफ 2, बहुत बढ़िया, चेक करना पड़ेगा, क्यों, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको चेक करना है कि जो ये जो दो स्टेटमेंट है ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं, पहला काम ये चेक करना है। तो मैं एजर्टसन चेक करूंगा, उसके लिए मैं एचसीएफ फाइंड करूंगा, किसका, 510 और 92 का। तो
क्लियरली 510 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 2 जब 4, 2 5 जब 10, 2 5 जब 10, 5 5 जब 25, 5 1 जब 5, 3 1 जब 3, 3 7 जब 21, ओके 92 को, तो 92 को 2 4 जब 8, 2 6 जब 12, 2 2 जब 4, 2 3 जब 6, ठीक है। तो सिंपली मेरे को एकदम क्लियरली मेरे को ये चीज़ें दिख रही है कि 510 जो है, मैं इसको ऐसा लिखूँ, अगर इसका प्राइम फैक्टर 2 × 3 × 5 × 17, और अगर मैं 92 को मैं अगर लिखूँ 2 × 2 × 23, तो क्लियरली मेरे को समझ में आ रहा है कि ये जो है ये कॉमन है दोनों में। तो HCF कितना आ जा रहा है, HCF इज 2 आ रहा है, और जो कि करेक्ट है। दैट मीन्स मेरा पहला स्टेटमेंट जो है वो उसमें HCF वाला पार्ट करेक्ट आ गया। अभी LCM में चेक करना है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट में LCM भी बोला हुआ है, ठीक है। मेरा पहला स्टेटमेंट में LCM भी बोला हुआ है कि LCM इन दोनों नंबर का कितना है, 32460। अब मेरे को चेक करना है LCM बोला हुआ सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग नहीं करते हो क्लास में पढ़ने के टाइम में, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपके सिलेबस के बेस से ही आता है, लेकिन आपको कैसे करना है वो आप ध्यान से देखिए। अभी मेरा पहला स्टेटमेंट चेक हो रहा है, तो LCM दोनों का अगर निकालें, तो LCM आपको पता है कैसे निकालते हैं हम लोग, जो HCF आ गया उसको एक बार लिख लेंगे, और उसको छोड़ के बाकी जितने बचे हुए, जैसे यहाँ 2 एक बार लिख लिया, अब 2 को दो बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पे HCF एक बार लिख लिया, तो ये कॉमन में से एक बार HCF लिख लिया, बाकी बचे हुए लिखेंगे आप। यहाँ क्या बचा हुआ है, 3 5 है ना, 3 5, उसके बाद 17 2 23 सारे लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे इसका इंटू, तो 2 3 जो 6, 6 5 जो 30, और ये 30 के साथ ये 2 अगर इंटू हो जाए तो 60, और यहाँ बचा 17 और यहाँ बचा 23, लिख लेते हैं 17 और 23, ओके। तो 60 × 17 अगर हम करते हैं तो मेरे को मिलता है 16 × 17, तो 0 हो गया, 16 7, अच्छा तो ये आ जाएगा 1020, और × 23, अब × 23 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा देखिए, 23 0 0, 23 2 46 है ना, 4 3 23 0 4 23 1 23, तो LCM मेरा आ रहा है 2 3 4 6 0, और यहाँ पे क्या है 3 2 4 6 0, LCM मेरा कितना आ रहा है, LCM मेरा आ रहा है अलग है। दैट मीन्स पहला जो assertion है वो इनकरेक्ट है, ये याद रखना है, assertion जो है वो इनकरेक्ट आ गया, क्योंकि HCF 2 सही आया था लेकिन LCM के लिए गलत आ गया। LCM मेरा आ रहा है 2 3 4 6 0, और यहाँ पे दिया हुआ है 3 2 4 6 0। दूसरा HCF into LCM is equal to product of two number, ये बात सही है कि ये तो फॉर्मूला होता ही है, इस फॉर्मूले से ये निकाल सकते हैं हम लोग, ये बोल रहे हैं, तो ये बात सही है कि HCF into LCM जो होता है वो product of two number होता है, ये बात करेक्ट है। तो assertion incorrect है और reason क्या है वो करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि रीजन में जो बोल रहा है वो एक फॉर्मूला है HCF into LCM, और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे अगर मुझे HCF पता हो तो मैं LCM निकाल सकता हूँ, LCM पता हो तो HCF निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये लोग सही कर रहे हैं कि हाँ इससे मैंने निकाला है, लेकिन जो पहला वाला है गलत है, तो पहला वाला इनकरेक्ट, दूसरा वाला करेक्ट। दैट मीन्स क्या, assertion A इज फॉल्स एंड रीजन R इज ट्रू, दैट मीन्स डी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी में देखो ये वाला मेरा जो आया है वो लिखा हुआ है, assertion A इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, इस तरह से हमने ये करना है, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर में आते हैं, ठीक है, तो द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 − 3 − 5 − 6 इंटरनली डिवाइड द एक्स एक्सिस इज 1:2। पहला जो assertion दिया है कि जो 2 − 3 और 5 − 6 जो लाइन है इसको जो एक्स एक्सिस डिवाइड करता है इंटरनली 1:2 रेशियो में। सोचो ये लाइन है 2 − 3, सोचो ये लाइन है 2 − 3 और 5 − 6, इसको सोचो एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया किसने, चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आप ज़्यादा बढ़िया मज़ा आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस सीधा होता है। आप पॉइंट कहाँ पे इसके आप मत जाइए, मैं जस्ट आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, आप भी अगर फिगर बनाएंगे तो रफ ही लिखेगा इधर। सोचो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 2 − 3 और एक पॉइंट है 5 6, जस्ट ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, आप
पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कार्टेशियन प्लेन में अगर आप एग्जैक्टली पढ़ेंगे तो पॉइंट कहीं भी है, ये जस्ट रफ आइडिया के लिए। तो एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया, ठीक है, तो जब एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा इसको, तो एक्स एक्सिस में जो पॉइंट आएगा, तो एक्स एक्सिस में पॉइंट जो आएगा एक्स तो होगा लेकिन वाई तो जीरो होगा ना, एक्स होगा लेकिन वाई नहीं होगा। तो मैं इसको ऐसा करूंगा, लेट, ठीक है, एक्स एक्सिस डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग, ऐसे करके। मैं ये आप नहीं लिखोगे, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ, आप लोग एक बार समझाओ समझ जाओगे तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आप इतना सारा कुछ नहीं लिखोगे, बस आपको मैं समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ खाली। आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बताओगे, डायरेक्ट चेक करोगे, ठीक है। तो लेट एक्स एक्सिस डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग 2 -3 एंड 5 6 इन द रेशियो, क्योंकि अगर ये बड़ा मार्क्स ज़्यादा मार्क्स के लिए आ जाएगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो मान लो ये होगा, फिलहाल एम इज टू एन में डिवाइड करता है, मैंने कुछ मेरे को चेक करना है 1:2 सही है कि नहीं, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी चेक करूँगा कि ये डिवाइड जब होगा तो 1:2 आता है कि नहीं आता, ये मेरे को चेक करना है, ठीक है। तो सोचो एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड हो गया अगर ये, ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है। सेक्शन फार्मूला में मेरे को ये कोऑर्डिनेट निकालने का जो फार्मूला यही है कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x0 जो होगा वो क्या होगा, m इंटू x1। तो फार्मूला m इंटू x2 है ना, तो m इंटू x2 में क्या है, x2 में आप लोग देखें क्लियरली 5 है, प्लस n इंटू x1 में क्या है, 2 है। सो तो ये x1 y1 और ये वाला x2 y2। अब आप आसानी से देखिए, m इंटू x1 और n इंटू x2 बाई m प्लस n कॉमा, फिर m इंटू y1 और m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n, ये एक फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है। तो ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला जो है ये है एम इंटू एक्स वन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला ना रीजन में दिया हुआ भी है, तो रीजन में हम लोग एक बार चेक भी कर लेते हैं रीजन सही है कि नहीं है। तो रीजन में देखो, एम इंटू x2 प्लस एम इंटू x1 प्लस एम प्लस एन एकदम सही है, एम इंटू y2 प्लस एन इंटू y1 एम प्लस एन एकदम करेक्ट, ये फॉर्मूला जो है ये करेक्ट है, यही फॉर्मूला मैंने यूज़ भी किया यहाँ पे अभी इसको निकालने के लिए। ओके, तो देखिए क्या आ जाता है मेरे पास, 5m + 2n / m + n कॉमा, और यहाँ पे क्या आ जाता है, 6m - 3n / m + 3n / m + n, और इधर पे क्या है, x और 0 मेरे को पता है, x और 0 मेरे को पता है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 0 = 6m - 3n / m + n, और यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, 6m - 3n = 0। और अगर 3n उधर चला गया तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और दैट मीन्स क्या आ जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, अगर n नीचे आया 3 तो यहाँ पहले से ही है, और अगर 6 उधर गया तो 6 नीचे आएगा, ठीक है, और ये आ गया 1/2, दैट मीन्स 1:2। और मेरा एजर्टसन जो मैं चेक कर रहा था एकदम करेक्ट आया, एजर्टसन में मेरे को यही कह रहा था कि अगर ये दो लाइन ज्वाइनिंग को अगर एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा, ठीक है, तो जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा, और मेरा एकदम करेक्ट आया, दैट मीन्स मेरा एजर्टसन भी करेक्ट और मेरा रीजन भी करेक्ट, दैट मीन्स बोथ आर करेक्ट। तो मेरे को ऑप्शन देखना है कहाँ पे है, तो बोथ एजर्टसन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्टसन ए, एकदम करेक्ट, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारा सेक्शन ए खत्म हो गया है बच्चों। तो आप लोग 1 से लेकर 20 तक अच्छा से कीजिएगा, उसके बाद फिर मैं सेक्शन बी सी डी ई में उसका वीडियो भी लेके आऊँगा, और देखते हैं कि कहीं अगर कोशिश करूँगा अगर दो सेक्शन एक साथ हो जाए, ठीक है। मुझे पता है आप लोग एक बार में 3-4 घंटा वीडियो आप लोग देखोगे नहीं, और 3-4 घंटा कंटिन्यूसली बैठ के पढ़ने से और सब एक ही बार में होता भी नहीं है, तो मैंने इसलिए पार्ट वाइज दिया है, तो आप लोग पार्ट वाइज पढ़िए,
ठीक है। और ये सैम्पल पेपर जरूर कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीबीएसई ने रिलीज किया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।